ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम कैपेसिटर्स। सवाल इस तरह शुरू होता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ द प्लेट्स 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। व्हेनेवर आपको इस तरीके से दो डिस्टेंसेस मल्टीप्लाई करके दिए जाएं, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग एरिया 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेंस अ सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट दी ऐसा यूनिट इन फिजिक्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। देर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। अब अगर आप एक दफ़ा ये कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे तो उससे खाली एक सेंटीमीटर कैंसिल होगा, दूसरा सेंटीमीटर कैंसिल नहीं होगा, तो आपको ये एक दफ़ा दोबारा लगाना पड़ता है, देर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो आपका आंसर आता है इससे 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया की कन्वर्जन में ज़रा सा ध्यान रखना होता है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज स्मॉल डी 2.5 सेंटीमीटर। आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, विच इज़ 0.025 मीटर, डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सारे सेंटीमीटर कैंसिल करते हैं। एंड इट इज़ इनिशियली फिल्ड विद एयर। अब इनिशियली फिल्ड विद एयर ऐसे कैपेसिटर की बात हो रही है जो बेसिकली एम्प्टी कैपेसिटर है। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट, दिस डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर और बीच में कुछ भी नहीं है, खाली कैपेसिटर है। फिल्ड विद एयर को ऐसे ही कह देते हैं, कैपेसिटर एयर के साथ फिल्ड है। तो फिर आपसे कहा जा रहा है, वॉट विल बी द इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटेंस। ज़रा तवज्जो से देखिएगा, उसकी कैपेसिटेंस में कितना फ़र्क आएगा, व्हाट विल बी द चेंज इन इट कैपेसिटेंस, ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है डेल्टा सी। इफ़ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया एंड थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर हम इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दें जिसका एरिया तो वही हो लेकिन उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर हो। अगर आप और से देखें तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स भी 2.5 सेंटीमीटर दूर थी और जो डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस दी गई है, यानी अगर इसको वेरिएबल में लिखा जाए तो लिखा जाएगा थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू डी विच इज़ इक्वल टू अगेन 2.5 सेंटीमीटर विच इज़ ऑल्सो 0.025 मीटर। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इस वाले सवाल के अंदर एक ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का चेंज निकालना है जो पहले एयर से फिल्ड था और फिर कम्प्लीटली फिल्ड था डाई इलेक्ट्रिक के साथ। कैपेसिटर जब एयर के साथ फिल्ड होता है, यानी खाली होता है, उसमें फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस। व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ ए? इज़ द एरिया। व्हाट इज़ डी? डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और फिर एक कैपेसिटर जब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है डायलैक्ट्रिक के साथ, तो फिर उसकी इक्वेशन ये होती है, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय सी। तो आइए ज़रा देखें इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इस सवाल के अंदर ये बात लिखेंगे कि कैपेसिटेंस विथ एयर, कि उस वक्त कैपेसिटेंस कितनी है जब दोनों की प्लेट्स के दरमियान में सिर्फ एयर है या खाली प्लेट्स है, फ्री स्पेस है। तो उसका फार्मूला होता है सी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, सी इज़ इक्वल टू 8.85 रेज टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 0.025। तो इसका आंसर आ जाता है 3.54 रेज टू द पावर -12 फैरेड, या आप इसे लिख सकते हैं 3.54 पीको फैरेड। दूसरा हमारा जो इसके अंदर सॉल्यूशन का आइडिया होगा वो ये कि हम लिखेंगे कि कैपेसिटर विथ डायलैक्ट्रिक, कि अब जब कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान में डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया, डायलैक्ट्रिक असल में एक इंसुलेटर होता है जो कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ा देता है, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल होता है। तो उसके बाद क्या हालात है, उसके बाद के हालात ये हैं कि सी डैश इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई सी। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक चीज़ मिसिंग है जो आप लोग अपने पास नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और वो ये कि इस सवाल के अंदर इसको लिखना चाहिए था कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज़ इक्वल टू 2।
कभी कभी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को के लिखते हैं, कभी कभी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर लिखते हैं। हमारे वाले वेरिएबल में वो एप्सिलॉन आर के तौर पे मौजूद है। तो ये चीज़ सवाल के अंदर मिसिंग थी, आपको अज्यूम करनी। इस वक्त तो खैर मैंने सवाल का डेटा कंप्लीट कर दिया, लेकिन पेपर में बहरहाल ये चीज़ गिवन होती है, एक्सेसिव एग्जाम में ये चीज़ गिवन होती है। तो आपके पास ये जो एप्सिलॉन आर था, एप्सिलॉन आर की वैल्यू थी 2, तो ये एक चीज़ हमारे पास मिसिंग थी। तो कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस विदाउट डायलैक्ट्रिक, विच जिसकी वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की है, दैट वॉज 3.54 एक्सपेरेंट माइनस 12 फैरेड। तो आपके सी डैश का आंसर आ जाएगा 7.08 रेज टू द पावर नेगेटिव 12 फैरेड। ये आ गई कैपेसिटेंस विद अ डायलैक्ट्रिक हैविंग अ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब आप चाहते हैं कि आपको चेंज इन कैपेसिटेंस पता चल जाए, आपको डेल्टा सी पता चल जाए। तो डेल्टा सी का फार्मूला होगा कैपेसिटेंस विद डायलैक्ट्रिक डिवाइड माइनस कैपेसिटेंस विदाउट डायलैक्ट्रिक। डेल्टा सी विल बी इक्वल टू 7.08 माइनस 3.54। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी पीको फैरेड है, ये भी पीको फैरेड है, तो उसको हम डायरेक्ट आखिर में लिख सकते हैं 3.54 रेज टू द पावर नेगेटिव 12 फैरेड, या आप इसे लिख सकते हैं 3.54 पीको फैरेड। पीको इज स्मॉल पी एंड इट इज़ इक्वेलेंट टू 10^-12। दिस इज़ द चेंज इन कैपेसिटेंस जब आप एक ऐसे कैपेसिटर जिसके दरमियान एयर थी उसको फिल कर देंगे एक ऐसे डायलैक्ट्रिक के साथ जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 2 था और उसने कम्प्लीटली फिल कर दिया था कैपेसिटर की प्लेट्स को। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।